नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारु कौशल। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर 70 से अधिक घायलों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए शनिवार को पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अभी तक नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश है। बदनौर शनिवार तड़के ही अस्पताल पहुंचे और गुरु नानक देव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घायलों से मिले। उन्होंने चंडीगढ़ से रवाना होने से पहले मीडिया को बताया कि एक बड़ी दुखद घटना है, डॉक्टर्स यहां घायलों को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ विधायक टीबी अब्दुल रजाक का 63 वर्ष की उम्र में शनिवार को निजी अस्पताल में निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है। राज्य के सुदूर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र मंडेश्वरम से दो बार विधायक रह चुके रजाक बीते कुछ दिनों से अस्पताल में थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के नेता के सुरेंद्रन को हरा कर 89 मतों से जीते थे। मलपुरम से लोकसभा सदस्य और IUML के दिग्गज नेता पीके कुल्हानी कट्टी ने कहा कि रजाक एक सफल कारोबारी थे, उन्हें सभी पसंद करते थे। उनको सुपुर्द-ए-पाक शनिवार शाम को किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर निकाय चुनाव के लिए शनिवार को मतगणना शुरू हो गई है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई और नतीजे दोपहर बाद तक आने की उम्मीद है। श्रीनगर निकाय के लिए श्रीनगर के शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मतगणना शुरू हो गई है, जबकि जम्मू नगर निकाय के लिए विक्रम चौक के पास पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में मतगणना शुरू हुई है। राज्य के 5 अन्य जिलों में मतगणना भी उनके जिले मुख्यालय में शुरू हुई है। राज्य में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम है। राज्य में 13 साल के बाद निकाय चुनाव हुए थे। देशभर में दशहरा नागौर में सिर्फ स्टेडियम में मनाया गया। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने शाम 5:55 पर रावण का दहन किया। जिला कलेक्टर के साथ ADM ब्रजेश कुमार चांदोलिया, SDM मुरारीलाल शर्मा, SP हरिंद्र महावर, आयुक्त अनीता बिरदा, सभापति कृपाराम सोलंकी मौजूद रहे। स्टेडियम में भारी मात्रा में शहरवासी मौजूद थे। पुतला दहन से पूर्व सभापति सोलंकी ने शहरवासियों को विजयदशमी की बधाई दी और बताया कि अनैतिक कार्य करने के कारण ही रावण का दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। इस बार दशहरा में रावण का पुतला चुनावी रंग में नजर आया और रावण के पुतले पर चुनावी बुराइयों का बैनर लगा था, जिसमें धन लेकर किसी के दबाव में आकर शराब के बदले वोट देने या भयग्रस्त होकर मतदान नहीं करने का संदेश दिया गया। इसके साथ फर्जी मतदान नहीं करने, अपने बाहुबल का प्रयोग नहीं करके चुनाव में कानून व्यवस्था का पालन करने और निष्पक्ष रूप से मतदान करने का संकल्प लेने को कहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय धूमधाम से मनाया गया। बगीची गादीपति महंत नरसिंह दास महाराज के सानिध्य में बजरंग वाटिका से राम लक्ष्मण सीता हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए लूनी नदी पहुंची। वह जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। लूनी नदी में श्री राम के बाण के साथ ही रावण का दहन किया गया। लूनी नदी के अंदर आसपास के ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की तादाद में भीड़ मौजूद रही। रेवदर उपखंड मुख्यालय पर शिवसेना की ओर से कस्बे के सेलवाड़ा रोड पर स्थित सरेसी माता मंदिर परिसर के बाहर होली चौक मैदान में शुक्रवार देर रात को बड़े ही धूमधाम के साथ रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं सरेसी माता जी मंदिर परिसर से भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की झांकी बनाकर राम जी की सवारी निकाली गई। रावण दहन के दौरान रिपीट
रावण दहन के दौरान आसमान में उजाला फैल गया और चारों ओर पटाखों की आवाजें कानों में गूंजने लगी। वहीं रावण दहन के पहले भगवान श्री राम की महाआरती की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। वहीं संपूर्ण कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक वीरा राम चौधरी और थाना अधिकारी बाबूराम चौधरी ने भी रावण दहन कार्यक्रम में सहयोग करते हुए रावण दहन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात रखा। पाली जिले के खिंदवाड़ा कस्बे की मस्जिद रोड पर जय अम्बे नवयुवक गरबा मंडल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में 9 दिन तक चले डांडिया रास में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले पुरस्कार दिया गया। वहीं अंतिम गरबा मंडल भरा हुआ नजर आया, जहां बहनों ने अंतिम दिन जमकर डांडिया खेला। इस मौके पर गरबा मंडल के आयोजक पिंटू सांकला, इमरान खान, मांगीलाल दीक्षित सहित कई लोग मौजूद रहे। सौजत से मजदूरों की जीप भरकर सौजत रोड के निकट मांडा के निम्बली ग्राम में मजदूरी पर गई, जहां शाम को मजदूरी कर घर लौटते समय सौजत रोड पेट्रोल पंप के निकट ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसके कारण हादसे में मोहनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में जमुना, लक्ष्मी, सुशीला, पानी, ओम प्रकाश घायल हो गए, जिनको सौजत के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया। वहीं इस घटना की सूचना पाकर सौजत से राजेंद्र सिंह राठौर अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मजदूरों को जीप और टेम्पो में भरकर ले जाया जाता है। इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को कई बार दी गई, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज यह हादसा हुआ। बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक दशहरा महोत्सव शुक्रवार को बयाना कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दशहरा नवयुवक मंडल के तत्वावधान में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष धार्मिक झांकी सजावट और विशेष पूजा अर्चना आदि कार्यक्रम हुए। वहीं हर घर में भगवान श्री राम के जयकारे के साथ दशहरा पूजन हुआ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के स्वरूपों के इशारे पर वहां बने रावण के विशाल पुतले का दहन किया गया। रावण का दहन देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मारवाड़ जंक्शन में आगामी चुनाव के मद्देनजर थाना पुलिस ने वृत्ताधिकारी सुरेश कुमार और थाना अधिकारी सुरेश कुमार के सानिध्य में मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च सौजत बस स्टैंड से होते हुए पाली फाटक, संधि बाजार और डाक बंगला से पुलिस थाना तक पुलिस ने हथियारों के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें विशेष टीम और थाना स्टाफ मौजूद रहे। विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए शहर में वोट की जागरूकता के लिए रन फॉर वोट मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रन फॉर वोट मैराथन शहर के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने वोट के लिए शहर के चौपड़ हंस सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अहिंसा सर्कल, नई मंडी, अस्पताल रोड, मनीराम पार्क से होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक दौड़ लगाई। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मोहन नगर में कार्यक्रम का समापन किया गया। इससे पूर्व अमृतसर में दशहरा दहन के समय हुई घटना पर हजारों लोगों ने मौन धारण करके मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रिटर्निंग अधिकारी सुरेश चंद्र बुनकर ने कहा कि उपखंड क्षेत्र में जागरूकता के लिए रन फॉर वोट मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर स्कूली बच्चे, महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रन फॉर वोट का मतलब आम जन में मतदान करने के लिए जागरूकता लाना, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत बने, सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही लोगों को वोट करने के लिए जागरूक करना चाहिए। इसके बाद एक वोट के लिए संकल्प पत्र भरने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूलों में भराया जाएगा।
इस बार ईवीएम मशीन के साथ वीमैट मशीन का भी प्रयोग किया जाएगा। वीमैट से जिसे मतदाता को जिस चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर वोट किया है उस चुनाव चिन्ह का प्रिंट निकलेगा, जिससे मतदाता को ये पता लग जाएगा कि मतदाता ने अपना वोट सही व्यक्ति को दिया है। इस मशीन का प्रयोग पहले अलवर, धौलपुर, अजमेर कई जगह किया जो सफल रहा है। अब की बार सभी विधानसभा की 2 सीटों पर ईवीएम के साथ वीमैट का प्रयोग किया जाएगा। आप लोगों के सहयोग से शानदार मैराथन प्रतियोगिता आयोजित हुई और उसका समापन यहाँ हो रहा है। हमें हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को ये संदेश पहुंचाना है कि 7 दिसंबर को जो मतदान होगा उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर मतदान करें, जिससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत हो सके। इसके लिए आप लोग जो यहाँ आए हैं, हमारा भी एक कर्तव्य बन जाता है। चूंकि एक अगली प्रतियोगिता होगी वो होगी संकल्प पत्र। संकल्प पत्र विद्यालय परिवार के द्वारा ही भरवाए जाएंगे, उनमें भी हम आपका सहयोग अपेक्षित मानते हैं, उसके लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो मशीनें इस बार लगेंगी, जिनको ईवीएम कहा जाता था, अब की बार उसके साथ एक मशीन और लगी है, वह है वीवीपीएटी, वीवीपैट। कानपुर देहात के पुखराय कस्बे में आज 10,000 लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाएंगे, इसकी घोषणा भारतीय दलित पैंथर के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम पैंथर ने की है। भारतीय दलित पैंथर के लोगों ने जोड़ने के लिए रैली का आयोजन किया गया और रैली में जय लंकेश के नारे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा, अब अखिलेश जैसे लोगों का घर खाली होता है तो उसे गौमूत्र से धोकर शुद्ध किया जाता है, इसका मतलब अभी भी छुआछूत का बोलबाला है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़। नमस्कार।